हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अशोक रिवाल। आई वेलकम यू ऑल इन एडो ट्वेल्थ क्लासेस। स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल दैट वी हैव स्टार्टेड अवर सिलेबस ऑफ ट्वेल्थ क्लास, यस, ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडो ट्वेल्थ क्लासेस। वी हैव स्टार्टेड द रेगुलर क्लासेस, द कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्वेल्थ क्लास। इन दिस वीडियो, इन दिस क्लास, वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स, वी डिस्कस अबाउट द ऑथर्स, डिस्कस अबाउट द थीम, मैसेज, समरी, एंड दैट विल बी इन ईजी लैंग्वेज, इन हिंदी। So the third chapter of your flamingo book, that is the deep water. So today we are going to discuss about the deep water. So stay tuned with the channel and let's start the chapter. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So dear students, first we'll discuss about the author. Let me tell you about the author, William O. Douglas. William Douglas, a famous name, a famous personality. Why? That I will tell. He was born in 1998 and he died in 1980. He was born in Maine, Minnesota, USA. So he was one of the best writer. In the sense, he was not a professional writer. He was an advocate, right? So after graduating in Bachelor of Arts in English, even Economics, he decided to pursue a legal career. So he became the first legal advisor and he was the first one who remained for 36 years as a justice. So 36 साल का करियर इन्होंने as a justice काम किया अमेरिका में, USA में, right? उसके बाद ये individual rights के advocate थे, उसके बाद ये retire हुए। सो ये उनके एक बायोग्राफिकल एस्पेक्ट है जो डीप वाटर लिया गया है, दैट इज एन एक्सर्प्ट। ये उनके एक बायोग्राफिकल एस्पेक्ट से लिया गया है, मीन्स उनके एक पर्सनल स्टोरी से लिया गया है, उनकी पर्सनल लाइफ की हिस्ट्री से लिया गया है, राइट? एंड यू नो वेरी वेल दैट देयर आर टू थिंग्स, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स वेन वी राइट आर सेल्फ समथिंग, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, और बायोग्राफी जो कोई और लिखता है, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, ठीक है? सो हम बात करते हैं चैप्टर के टाइटल की, डीप वाटर। जैसा कि मैंने बताया कि डीप वाटर मीन्स यर नॉट ओनली द गहरा पानी, ना केवल वो गहरा पानी, बल्कि इसका मतलब है कि एक डीप फियर विच लाइज इनसाइड इन आर हर्ट, इन आर बॉडी, एक गहरा डर, उससे बाहर आना। वो कैसे है हम डिस्कस करते हैं समरी के बारे में, राइट? विल डिस्कस लाइन टू लाइन इन एपिसोड वाइज। सो बात करते हैं, सो कहानी शुरू होती है स्टूडेंट्स जब विलियम ओ डगलस अब एक छोटा बच्चा था। उसके लाइफ में दो इंसिडेंट होते हैं, मेन क्वेश्चन आएगा कि उसके लाइफ के दो इंसिडेंट्स के बारे में बताएं जो बैड एक्सपीरियंसेस उसके। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, व्हेन ही वाज हार्डली 3 or 4 इयर्स ओल्ड, जब छोटा था वो, हिज फादर टुक हिम टू कैलिफोर्निया बीच। उसके फादर उसको कैलिफोर्निया बीच पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है, वो नहा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं वाटर में, पानी में एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है और विद ही वेव ऑफ विद अ स्ट्रॉन्ग वेव, उस लहर के साथ बह जाता है वो। दो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसके फादर ने उसको उठा लिया, बट ही सेज लेटर ऑन हिज फादर वॉज लाफिंग, उसके फादर हंस रहे थे, बट दैट क्रिएटेड अ ग्रेट फियर इन हिज हार्ट, एक बड़ा डर उसके मन में बैठ गया। अब याकिमा रिवर है वहाँ पे, अब वो क्या करता था, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ 10-11 साल का। सेकेंड एक्सपीरियंस हैपन वेन ही वॉज इन 10 to 11 ईयर्स ओल्ड, 10-11 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, तो वो डर जो था वो धीरे 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 कम करना चाहता था, कम होने लगा, बट हिज मदर kept on reminding अबाउट द फ्रेश drownings ऑफ द याकिमा रिवर। याकिमा रिवर में जो तकरीबन लोग डूब जाते थे, शी said दैट याकिमा रिवर इज़ अ treacherous रिवर। treacherous means here dangerous। सो एक डेंजरस रिवर थी, उसकी माँ उसको कहती थी, बेटा यू आर नॉट सपोज टू गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना है याकिमा रिवर पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है? वो नहीं गया। सो लेटर उसने अपना एडमिशन एनरोल लिया, कहाँ पे, YMCA पूल में। YMCA पूल यंग अमेरिकन क्रिश्चियन एसोसिएशन की एक पूल है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसने अपना एडमिशन लिया एंड ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू स्विम। अब कहता है कि जैसे जैसे उसने स्टार्ट किया स्विमिंग सीखना, अब उसका डर जो है रेसिड्यूअल मीन्स थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ, ही फेल्ट लिटिल बिट ईज। उसने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, उसके पास वाटर विंग्स होते थे, है ना, कोच आता था उसको सिखाता था। लेकिन अब क्या था, धीरे धीरे वो सीख रहा था, सडन व्हाट हैपन वन डे। अच्छा, पूल आपको पता है कि एक साइड वो 9 feet डीप होता है और एक साइड वो 3 feet होता है, और स्लोप बहुत ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। तो व्हाट हैपन ये, वो बैठा हुआ था उस दिन 9 feet साइड, और कोई एक ब्रिजर बॉय कहा गया है, 19-20 साल का एक लड़का होता है, वो आता है वहाँ पर। एंड वॉट डिड ही डू, उसने किया क्या, उसने एक्चुअली जस्ट आउट ऑफ जॉक, कहते हैं मजाक में, ही जस्ट टुक ऑफ दैट चाइल्ड, उसको उठाया, क्योंकि 10-11 साल का छोटा बच्चा ही तो होता है,
उसको उठाया और पानी में एज इट इज़ को फेंक दिया. सो दैट वॉज फॉर फन फॉर दैट बॉय, उसके लिए वो मजाक में था. अब मैं आपको बताऊं कि जिस बच्चे ने कभी भी लाइफ में ड्राइंग एक्सपीरियंस लिया होगा, आई कैन फील बिकॉज आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग, जिसने ड्राइंग एक्सपीरियंस लिया होगा. अच्छा एक वर्ड मुझे याद आ गया, ड्राइंग और सिंकिंग दो चीज़ें बेटा. सॉरी इफ आई एम सेइंग यू नो बेटा, यू नो इट्स एन एक्सपीरियंस, आई मीन हैबिट ऑफ सेइंग द स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग सेइंग बेटा एंड ऑल. तो क्या सिंक एंड ड्राइंग दो वर्ड्स होते हैं, दोनों वर्ब भी हैं. अच्छा सिंक मीन्स डूबना होता है, ड्रॉन भी डूबना होता है. सिंक मीन्स होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग का डूबना, राइट. और ड्रॉनिंग जो होता है बच्चे वो होता है किसी भी लिविंग बींग ह्यूमन बींग का डूबना. तो यहाँ पे क्या है कि वो बैठा हुआ था व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने कभी एक्सपीरियंस लिया है तो आप बिल्कुल एज इट इज समझ सकते हो. विलियम मोडगलस ने बिल्कुल लाइवली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इस चैप्टर के अंदर डाला हुआ है, उसने अपनी बायोग्राफी में मैंशन किया हुआ है कि यार कैसे उसे फील हुआ. सो इट सेज दैट व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, उसने मुझे पानी में फेंका, दैट वॉज 9 feet डीप दैट साइड. जैसे ही मैं पानी में गिरने लगा तो आई गॉट फ्राइटेंड, ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, एक बच्चा डर ही जाएगा. एक 10 साल का बच्चा कितना 9 feet की साइड जाएगा, तो हाइट कितनी होती है 10 साल के बच्चे की, हार्डली 4 feet 4.5 है ना, इतनी होती होगी. तो उस साइड वो फेंका गया, वो जाता नीचे की तरफ. कहते आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट फ्राइटेंड विद माई विट, बुद्धि से ड्रा हुआ नहीं था. वट डज इट मीन कि एक आई हैड अ स्ट्रेटजी, एक प्लान था मेरे पास. वट वॉज दैट कि मैं पानी में गिर तो गया हूँ, हल्का फुल्का मुझे हाथ पैर मारने आ गए थे, पूरा स्विमिंग नहीं आई थी, पानी में गिर गया. अब जैसे ही पार नीचे लगेंगे मैं टाइल को टच करूंगा, मैं जंप करूंगा और जंप करके ऊपर आ जाऊंगा एंड आई विल जस्ट हाथ पैर मारूंगा एंड आई कम टूवर्ड्स द किनारे की तरफ मैं आ जाऊंगा, ठीक है. अब जैसे वो नीचे गया, यू नो जब हम डूबते हैं डरते तो डर तो होता ही, ऑब्वियसली हम हाथ पैर बुरी तरीके से मारते हैं, आउट ऑफ माइंड मारते हैं बिल्कुल. वो नीचे गया, कहता मुझे याद है मैंने पैरों पे जंप किया जितनी मेरी ताकत थी, मैंने ऊपर आने की कोशिश की एंड आई स्टार्टेड टू कम अपवर्ड्स. अब मैंने ऊपर आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. अब ऊपर आया, आसपास कोई नहीं था, मुझे सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था. अब मैंने कोशिश की किसी चीज़ को कैच करने की, आई कूडेंट कैच एनीथिंग एल्स, मैं कुछ नहीं पकड़ पाया एक्सेप्ट वाटर, सिवाय पानी के. अब बाहर आ तो जाते हम लोग लेकिन दोबारा फिर पानी अपने आप को खींच लेता नीचे की तरफ. कहता दोबारा सेकेंड टाइम आई स्टार्टेड टू गो टुवर्ड्स द वाटर टुवर्ड्स द दैट डेप्थ, पानी तरफ दोबारा फिर गहराई की तरफ मैंने जाना स्टार्ट कर दिया. अब पानी की तरफ जैसे जैसे वो धीरे धीरे जा रहा है, कहते स्टिल अब मेरे लंग्स जो थे वो थोड़ा हैवी होने लगे थे और सांस थोड़ी फूलने लगी थी, है ना. आई ट्राई टू टेक ब्रीथ लेकिन पानी अंदर चला गया. अब बुरी तरीके से मैं डर गया और बट स्टिल कहीं ना कहीं मैंने होश नहीं खोए थे, मुझे था कि यार आई कैन स्टिल विद माई स्ट्रेंथ आई कैन कम आउट. मैं फिर सेकेंड टाइम जब नीचे गया आई टच द फिट, मैंने उनको टच किया ग्राउंड को पैरों से, फिर जंप किया जितनी भी ताकत मेरे पास थी और मैं सेकेंड टाइम फिर ऊपर आया. अब सेकेंड टाइम जब ऊपर आया, कहता है एक येलो टिंज, एक येलो सा वाटर मुझे दिखाई दे रहा था. ऊपर आया सिर्फ मेरा नोज और माउथ थोड़ा सा ऊपर आया, ट्राई टू इनहेल सम एयर बट आई कूडेंट दैट, और सिर्फ पानी ही अंदर गया मेरे. तो अब वो सिचुएशन काफ़ी ड्रावनी आप फील कर सकते हो होने लगी थी विलियम ओ डगलस के साथ, बिकॉज ही वॉज 10 years ओल्ड बॉय, एक छोटा सा बच्चा ही तो था वो. अब जैसे जैसे बच्चे वो नीचे जा रहा है, अब थर्ड टाइम कहता है कि यार मैंने दोबारा फिर जाना स्टार्ट कर दिया. अब थर्ड टाइम जो था वो बहुत खतरनाक सीन था मेरे लिए, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी भर गया था मेरे अंदर, मैं सांस नहीं ले पा रहा था एंड दैट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. अब ताकत वाकत कुछ नहीं बची थी मेरे अंदर, है ना. आई फेल्ट लाइक पैरालाइज्ड, मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर गए थे, मुझे एक पैरालाइज लाइक फील हो रहा था, है ना. एंड लाइक वाइज आई वॉज गोइंग डाउनवर्ड्स, मैं फिर नीचे जा रहा था. इस बार यू नो आई फेल्ट लिटिल बिट ड्रॉजीनेस. तो तीन बार वो ऊपर आया, दो बार, तीसरी बार वो नीचे जा रहा था, तो मुझे लगा, कहता है कि मुझे लगा कि मैं ड्रॉजीनेस, मुझे नींद से आने लगी एंड नाउ आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड. क्योंकि यू नो मौत के डर में डर ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ द डेथ. ही सेज इन द चैप्टर कि डेथ में इतना डर नहीं है लेकिन डेथ आने से पहले जो मोमेंट होता है उसमें ज़्यादा डर है, ठीक है. तो कहते हैं वो डर काफ़ी भयानक था और अब मुझे रिलैक्स फील होने लगा, लाइक जैसे एक बच्चा माँ की गोद में सोता है ऐसा मैं फील कर रहा था और धीरे धीरे रिलैक्स्ड मैं नीचे जाने लगा. अब फिर नेक्स्ट टाइम कहते जब मुझे होश आया, और आई केम इन माई कॉन्शियसनेस, जब मैं होश में आया तो मैं पेट के बल बाहर लेटा हुआ था उस पूल के पास और कोई मुझे पेट दबा रहा था और मैं आई वॉज वॉमिटिंग, पानी बाहर डाल रहा था, उल्टियाँ हो रही थी एंड समबडी वॉज सेइंग
के नियरली डाइड, चाइल्ड नियरली डाइड, बच्चा मर ही गया होता। और वो लड़का जो हेल्दी सा ब्रूजर बॉय, हेल्दी फिट एंड बॉडी 19-20 साल का लड़का था, तो वो कह रहा है कि आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब यार ऐसा थोड़ा होता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आप एक बच्चे हैं तो किसी भी ऐसे गहरे पानी में आसपास नहीं जाना चाहिए जहाँ की गहराई का आपको नहीं पता है। स्पेशली यू नो इन दिस सीज़न, गर्मी सीज़न में तो होता है क्या कि बच्चे ज़रूर खेलने जाते हैं और वहाँ इस तरह की ट्रबल्स हो जाते हैं। सो बच्चे, लिटरेचर का मतलब यहाँ पे सिर्फ चैप्टर पढ़ के उससे क्वेश्चन आंसर याद करने का नहीं है। इट मीन जस्ट टू फील एंड टू गेट अ मैसेज, टू गेट अ स्टोरी इन आवर लाइफ। सो इट सेज दैट कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं करना चाहिए, किसी की जान जा सकती है ना। अच्छा, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके बाद होता क्या है? अब जैसे वो बाहर आता है, अब वो डर तो ठीक है उसके दिमाग में, दिल में इतना बैठ गया था दैट ही वॉज अनेबल टू इवन गो नियर द वाटर बॉडीज, पानी के पास भी कह रहा है वो नहीं जा पा रहा था। अब दैट बिकेम अ हाइड्रोफोबिया, है ना, एक वर्ड होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स फोबियाज होते हैं बहुत ज़्यादा डर, है ना, जब पानी से, जैसे बिब्लियोफोबिया होता है बुक से डर लगना, है ना, इसी प्रकार हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर लगना। तो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा डर था पानी से, अब मैं पानी के पास जा भी नहीं सकता। जैसे मैं पानी के पास जाता, हल्का सा भी हार्डवर्क करता तो मेरी बॉडी कांपने लग जाती थी, हल्का सा भी पानी के पास जाता कहीं भी तो बहुत ज़्यादा डर लग जाता था, वो मेमोरीज मेरी लाइफ में ताज़ा हो जाती थी। कहते हैं व्हाट शुड आई डू, अब मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल ना हेल हो गई थी। विलियम डगलस सेज कि मैं कैनोइंग नहीं कर पा रहा था, बोटिंग नहीं कर पा रहा था, फिशिंग के लिए नहीं जा पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, एंड दैट बिकेम टोटल पैरालाइज, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक हैंडीकैप हो गई थी। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इस हैंडीकैपनेस के साथ रहूं, इस अपाहिजपन के साथ मैं रहूं, ज़िंदगी को जीऊं ऐसे पानी से डर के रहूं, उसे दूर रहूं, या फिर मैं उसको दूर करूं। एंड डियर स्टूडेंट, दिस कम्स विद अ मैसेज इन द स्टोरी दैट अगर हमारी ज़िंदगी में कोई डर है बच्चे, तो हमें उसके साथ जीने के बजाय उससे बाहर निकलना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको ओवरकम करना चाहिए। ये भी एक मैसेज है और एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, कि वो डर को हम, क्या हमें उसके साथ जीना चाहिए या उससे बाहर निकलना चाहिए? ऑब्वियसली हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। अब वो करता क्या है, ही हायर्ड अ स्पेशल कोच, अ स्पेशल ट्रेनर आफ्टर सम टाइम, जब उसे लगा कि यार इस ज़िंदगी के साथ मैं नहीं जी सकता, मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे कुछ करना होगा, तो उसने एक स्पेशल कोच हायर किया और उसे बाहर निकलने के लिए उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की। देखिए मेहनत तो लगती है, किसी भी सिचुएशन में आप बाहर निकलना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे। अब कहते हैं कि भाई मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था, मैंने पर्सनल कोच हायर किया। अब पर्सनल कोच ने क्या किया, कहते मुझे बिट बाय मुझे सिखाया थोड़ा थोड़ा। पहले उसने मुझे हैंड्स मूवमेंट सिखाए कि भाई कैसे पानी में हैंड्स मूवमेंट करनी है, फिर पकड़ के मुझे लेग्स मूवमेंट सिखाए, फिर उसने क्या किया मेरी कमर के ऊपर एक बेल्ट बांध दी और एक पूल के दोनों तरफ एक रस्सी बांध कर वो बेल्ट को उससे बांध दिया, एंड ही मेड मी टू स्विम, मुझे तैरना सिखाया। तो जैसे मैं थोड़ा गहरा जाता वो रस्सी खींच लेता, यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप समझ सकते हैं शायद, तो मैं ऊपर आ जाता। तो इस तरीके से मैं तैर रहा था, ठीक है। अब तैरते तैरते मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया, फिर उसने मुझे पानी में इनहेल करना, एक्सहेल करना, यानी कि पानी में सांस कैसे लेना है, सांस कैसे छोड़ना है, ये सारी चीज़ सिखाई। और तकरीबन कई महीने मेरी ये ट्रेनिंग चली एंड आई लर्न इट, मैंने सीखा। अब उसके बाद ऑप्शन ये था, कोच ने कहा ट्रेनिंग इज़ ओवर, बट ही सेज दैट आई वॉज नॉट ओवर, मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि स्टिल आई वॉन्टेड टू हैव द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की अभी भी कमी थी। कहते हैं कि मैं गहरे पानी में जाके तैरना चाहता था, सीखना चाहता था, देखना चाहता था कि मैं कैसे तैर सकता हूँ। अब कहते हैं कि मैं नियर अबाउट वाटर बॉडीज़ में गया, मैंने तैर के देखा और अब नाउ आई स्टार्टेड टू फील कम्फर्टेबल। फिर एक बार एक बहुत गहरा पानी और बहुत गहरी झील थी, लगभग 2.5 miles था वो, तो कहते हैं उसमें मैंने जाकर देखा एंड आई स्टार्टेड टू स्विम। और जब मैं बीच में जा चुका था एक बार, तो आई फेल्ट कि यार वो डर एक बार कहीं ना कहीं वापस आ रहा था। नाउ आई फेल्ट, आई सैड, मैं डरा नहीं, मैंने उसे कहा मिस्टर टेरर यू वॉन्ट टू टेराइज मी, यू वॉन्ट टू फ्राइटन मी, मुझे डराना चाहते हो, कम एंड फ्राइटन मी, आओ और मुझे डरा कर दिखाओ। और उसके बाद वो कहता है डर दूर चला गया एंड आई केप्ट ऑन स्विमिंग। उसके बाद मैं तैरता गया और मुझे ज़िंदगी में कभी कोई डर नहीं लगा, एंड आई बाय दिस वे आई ओवरकेम माई हाइड्रोफोबिया। So dear students, this was the summary of the chapter, right? It was in Hindi and I'm sure that you must have understood. किसी भी chapter को बच्चे अगर हम एक single line में summarize कर सके तो उससे better तरीका नहीं होता उसको समझने का। पूरी summary, पूरा chapter पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एक line में अगर समझ में आ जाए तो उससे better नहीं हो सकता। और वो single line, single theme ये है बच्चे कि भाई
डीप वाटर इस गहरे पानी से और इस गहरे डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में हैंडीकैप्टनेस के साथ जीना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी अगर जीनी है तो बेटर तरीके से जिए, उस डर को हटा कर जिए, वी कैन एन्जॉय द लाइफ। सो दिस वॉज अ समरी, आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। मिलते हैं एक नई क्लास में। अगर बच्चे आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कुछ सजेशंस हैं, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।